देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज अपने हेयर दिखा देती हूँ। ये देखिए आगे की तरफ जो प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर होते हैं ना, वो कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाते हैं। इसे आपको काटने और छाटने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं कभी अपने बालों को काटती छाटती नहीं हूँ, और कान के पास एक हाथ बाल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से बाल अगर देखिए सफ़ेद होना शुरू हो जाते तो हमें बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है। नहीं यार, हमारे सफ़ेद बाल दिख रहे हैं, इतने काले बालों में से हमारे जो सफ़ेद बाल एक हाथ जो दिख रहे हैं, अब कहीं पे भी चले जाओ तो किसी के सामने बहुत एम्बेरेसिंग फील होता है। तो ऐसे आपको क्या करना है, आज मेरा हेयर देखिए कुछ ज़्यादा ही बाउंसी लग रहा होगा आप लोगों को, शायद से मैं शहनाज हुसैन जैसे दिख रही हूँ। मैंने अपने थोड़े ही बाल आगे लिए, बाकी के जो पीछे है ना, ओ माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप इस तरह से बाउंसी और बहुत ही वॉल्यूमाइज हेयर चाहते हो ना, तो ये रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करिए। साथ ही साथ जो वाइट हेयर है, प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर है, इसे भी ये यू नो डीपली पेनिट्रेट होने के बाद में आपके बालों को काला बनाते हैं। जैसे कि देखिए, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ कई सालों से, और अपने बालों को ना जल्दी से सफ़ेद नहीं होने देना है, हमें अपने बालों को सफ़ेद होने से बचाना भी है। अब इतने बाल सफ़ेद अगर मैंने केमिकल लगाया तो ऑब्वियसली सारे मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, मैं ये जानती हूँ, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें आज इस रेमेडी को प्रिपेयर करके लगाना है, ताकि हम अपने प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर से जो हम परेशान हैं, वो सारी परेशानियां हमारी सॉल्व हो। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं इस रेमेडी को किस तरह से प्रिपेयर करना है, लगाना है अपने बालों पर, और अपने बालों को हमें काला बनाए रखना है। जो केमिकल बिल्कुल मत लगाइए, अदरवाइज पूरे बाल आपके यू नो जो ब्लैक बाल हैं वो भी ग्रे में टर्न हो जाएंगे। इसीलिए नेचुरल चीज़ों पे बिलीव करिए, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करिए, 100% आपको रिजल्ट देने वाले हैं दोस्तों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे लेना है एक खाली बोल, और यहाँ पे आपको यूज़ करना है कोकोनट ऑयल का। हम सदियों से कोकोनट ऑयल को यूज़ कर रहे हैं अपने बालों पे, बट प्लेन कोकोनट ऑयल आपको कभी नहीं लगाना है। और इस रेमेडी को आप बिल्कुल जड़ों पे लगाएंगे, क्योंकि हमारे जो सफ़ेद बाल आने के जो सबसे ज़्यादा संभावना होती है, वो होती है हमारे जड़ों से। जी हाँ दोस्तों, जड़ों पर ही आपको काम करना है, बाल जड़ से ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। और ये रेमेडी आपके बालों को 100% नेचुरल तरीके से काला बनाएगी, घना आएगी। और यहाँ पे आपको यूज़ करना है कैस्टर ऑयल, इससे आपके बालों की हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत ही थिक होते हैं, इसीलिए हम इसे नारियल के तेल में ऐड करके लगाते हैं, और इसे लगाना चाहिए नारियल के तेल में ऐड करके। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कत्था का। जी हाँ दोस्तों, आपको बंसारी की दुकान पे या फिर आयुर्वेदिक शॉप में आप चले जाएंगे तो आपको काला कत्था इजीली मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे काला कत्था लेकर आइए, उसे रॉ फॉर्म में लेकर आइए, आप घर पे ही मिक्सर ग्राइंडर में उसको इस तरह से पीस करके बारीक फॉर्म में टर्न कर सकते हो, या फिर आपको बंसारी की दुकान में आराम से मिल जाएगा काला कत्था। अगर आपको ब्राउन कत्था भी मिल जाए तो भी अच्छा है दोस्तों, उसे अच्छे से हल्के से तवे के ऊपर या फिर कढ़ाई में रोस्ट कर करके उस तरह से आप ब्लैक कर सकते हो, और जहां जहां पे भी आपको सफेद बाल हैं इंस्टेंटली आप इसे कवर कर सकते हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये इतना अच्छा ब्लैक हेयर डाई जो नुस्खा है ना, रेडी हो चुका है। आप कहीं पे भी जैसे शादी या फंक्शन या पार्टी में जाना चाहते हो तो इस नेचुरल और सेफ तरीके को आप जरूर अप्लाई करें। इसे मैन एंड वीमेन दोनों यूज कर सकते हैं। ये आपके बालों को 100% जड़ों से काला बनाएगी, घना बनाएगी, वॉल्यूम भी अच्छा दे देती है दोस्तों। तो इस तरह से इसे यूज करना है को, और कम से कम इसे लगा करके आप छोड़ सकते हो 1 घंटे के लिए। अगर आपको सेम डे शैम्पू नहीं करना है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एंजॉय कर सकते हो शादी पार्टी। और अगर आप इसे वॉश करना चाहते हो तो दोस्तों, इसे हर्बल या फिर माइल्ड शैम्पू से ही अपने बालों को धोइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत ही मेहनत से मेरी वीडियोस आप लोगों के साथ मैं शेयर करते रहती हूँ, और इसे शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।